हॉस्पिटल जा रहा हूँ। फोक चेक करो बाबा जी, फोक जी। फर्स्ट टाइम जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। यार मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही, सुबह सुबह जलेबी का क्या काम है। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इस यूट्यूब चैनल पे शामिल कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हरिया से होंगे, और हरिया से होना भी चाहिए। आज मैं सुबह सुबह क्यों उठाऊँ, क्योंकि एक हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और आज की जो वेदर, आज का जो वेदर है ना, ओए होए होए, फोगी वेदर है। इस्लामाबाद में थोड़ी थोड़ी बहुत फोग है। देखो यार, रात में गाड़ियों के साथ क्या हाल हो जाता है। लेट्स सी, ये देखो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और ऊपर देखो कितना कोहरा जम जाता है। और ये आई थिंक सो कि गाड़ियों के पेंट को बर्बाद कर देता है। तो बाइक को करते हैं गरम, और हम तो बाइक पे ही जाएंगे और निकलते हैं। ऐसे नहीं होगी कि कर मारनी पड़ेगी, तो कुछ मारते हैं। ये गरम होती है और बस निकलते हैं। शूटर सर्दी बहुत है, ग्लव्स वगैरह और हेलमेट वगैरह पहन लेते हैं। फोग चेक करो बाबा जी, फोग चेक करो। अब आपको ऊपर से दिखाते हैं, पुल के ऊपर, इतना ऊपर नहीं जाना। सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धुंध निकलने नहीं दे रही, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। आज फर्स्ट टाइम जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ है, बाइक स्लिप हुआ है। अब ये नहीं पता लग रहा कि किस तरह स्लिप हुआ है, क्यों स्लिप हुआ है। असल में कोहरे की वजह से ना पुल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो जो है ना पानी इकट्ठा हो जाता है। डैमेज चेक करें कि डैमेज क्या हुआ है। यार अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी सेफ हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, वो भी सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये मुझे लग रहा है जैसे ये थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया। और डैमेज ये असल में लगा पुल के साथ, तो बाइक जो है ना आगे से स्लिप हो गया, संभाला नहीं गया, और यहाँ पर भी लगा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ नो। ये चीज़ डैमेज हो गई मेरी, ये शीशा टूट गया, इसको अब टेप लगा के ज़रा थोड़ा बहुत कर लेंगे, क्योंकि अभी ज़रा खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको ऐसे ही चलाएंगे। ये थोड़ा सा लूज़ भी हो गया, तो इसको देखते हैं क्या सीन हो सकता है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, और बाइक में भी इतना कोई मेन जो है ना डैमेज नहीं हुआ, टंकी शंकी आगे पीछे से बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। मेन था अपना और वाइफ का, अपना भी नहीं वाइफ का ज़्यादातर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ नाउ। हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं हम क्या करते हैं। लेट्स गो, क्या करना है भाई, चेकअप कराना है। चलो यार, हॉस्पिटल के बाद नाश्ता नहीं किया था, तो अब नाश्ते के लिए रुके हैं मेलोडी में, इस्लामाबाद फूड स्ट्रीट। आपको वाइब्स दिखाते हैं, लेट्स गो। यार मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही, सुबह सुबह जलेबी का क्या काम है। यार जी हलवा पूरी आ चुकी है, अब खाते हैं। यार एक चीज़ बताओ, कम्बिनेशन, ये चने लो थोड़े सारे और थोड़ा सा हलवा लो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मुझे चश्मा मज़ा आता है, आउटडोर आप जरूर ट्राई कीजिए। यार जी अब वो बात नहीं रही, वो रौनकें नहीं रही। ये फूड स्ट्रीट है, फूड पार्क मेलोडी, यहाँ पर बहुत लोग आते थे, नाश्ता करते थे। असल में महंगाई बहुत हो गई है, परेशानियाँ बहुत हैं लोगों की, और भी मैं भी परेशानी थी तो आया हूँ, मतलब कि हॉस्पिटल आया हूँ, तो मैं कहा चलो नाश्ता भी कर लेते हैं, नहीं तो रोज़ाना जेब तो इजाज़त नहीं देती, लेकिन चलो अब चाय आ गई, चाय पीते हैं, चाय इंजॉय करते हैं।
मजा। हॉस्पिटल के बाद आया हूँ, थोड़ी देर लेटा हूँ और सच में उठने का दिल नहीं कर रहा था। तो अंदर जाओ। क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? क्या कह रही? गजब बेइज्जती है। तो यार सोया हूँ ना तो दर्द निकल आई है, क्योंकि बाइक से गिरा था, स्लिप हुआ था। ये वाला पॉइंट जो है ना थोड़ा सा मसला कर रहा है। चाचू क्या कर रहे हैं? तो फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बाय बाय टाटा, अल्लाह हाफिज़। उन हजरात के लिए जो डेली व्लॉगिंग को जो है ना रोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, ये भाई कह रहे हैं कि हमने व्लॉगिंग करनी है, इनसे व्लॉगिंग नहीं हो पा रही। देखो कितनी मुश्किल है जी भाई। क्या तस्वीर आता है आपके? बोलो। कुछ नहीं, पर कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है, और ऐसे ही है। ऐसे ही है, लोग तो कहते हैं बहुत आसान है, कैमरा उठाया, वीडियो बनाई और एडिट किया और डाल दिया। हर किसी के पास की बात नहीं है ना कैमरे के सामने आ जाना। और ये बात, और जो लोग ये कहते हैं कि हाल ही वीडियो बनाई और एडिट कर दी, मुझे पता है डेली व्लॉग कैसे एडिट होते हैं, कम से कम घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे भी लग जाते हैं अगर अच्छी एडिट करते हो। तो भाई बेस्ट ऑफ लक। ओके, आप जो भी कीजिएगा यूनिक चीज कीजिएगा। ठीक है, हाँ। ऑफिस पहुँचूंगा, सिस्टम ऑन कर लिया, बस आज का दिन शुरू करते हैं। यार एक वीडियो बनाई थी, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जो हमारी आईटी मिनिस्टर है, उसने जो है फ़ोन देना शुरू किए इंस्टॉलमेंट पे। मैंने कहा था स्टूडियो में कि 12 जनवरी जो है होगी, जिसके अंदर अनाउंसमेंट आएंगे, कुछ अनाउंसमेंट मुझे पता लगी है, तो मैंने कहा उसकी भी वीडियो बना दो। काफ़ी ज़्यादा लोग उस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि कब जो है मिलना शुरू होंगे, तो लेट्स गो ऊपर छत पर जाके बनाते हैं वीडियो। छत पर बनानी है तो मैं नीचे क्यों आया हूँ? मैं नीचे इस वजह से आया, क्योंकि ट्राईपॉड जो मैंने ना वो बाइक के अंदर पड़ा हुआ है। इस बाइक के अंदर से ट्राईपॉड निकाल लें और ऊपर छत पे जाके धूप में वीडियो बनाते हैं। लेट्स गो ब्रो। आप लोग मुझे एक सजेशन भी दें कि वाइड एंगल पे ज़्यादा अच्छी वीडियो बन रही है या इस पे। ये है सिनेमैटिक व्यू, जिसके अंदर शायद आपको भूखे भी नज़र आ रहा हो बाइक साइड में, अभी ना नजर आए, ऊपर जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मुझे शायद ट्राईपॉड लेना पड़े, शायद हाथ से नहीं बन जाए, क्योंकि हाथ भी मेरा इतना लंबा तो हो ही जाता है। तो लेट्स गो। पांचवे फ्लोर पे पहुँच चुके हैं, ये ज़्यादा ही नहीं प्लान वाला। अब आपको ज़रा भूखे का आइडिया होगा क्या भूखे हो क्या होता क्या है। धूप निकली हुई है ही होगा। अब बताएं कि किस में अच्छी लगती है, वाइड एंगल में या इसके अंदर? यार जी इतनी देर बोलता हूँ रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। चलो दोबारा से शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा और आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। काफी ज्यादा रिटेक्स लेने पड़े, एक में तो आवाज ही नहीं आई है, पैदल ही चलते हैं। पाँव भी ठीक हो जाएगा, ये क्या पता रात को सुबह और सुबह उठा ही ना जाए पाँव खराब हुआ हो। भाई की मजे लग गई यार, इतनी मोफली किधर। कुछ कहना चाहोगे? ये कहना है खाएंगे और छिलेंगे। मैं भी खा सकता हूँ, चल कर सकता हूँ एक दाना। दस दस ले लो यार। बल्कि मुझे होगी मूँगफली, देख निकाल के फिर खाएंगे। लेट्स गो यार, अगेन से शूटिंग पे जा रहे हैं, कोई शॉप है उसकी वीडियो शूटिंग बनानी है। तो लेट्स गो यार, मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करूँ और अपनी वीडियोस जो है कम्प्लीट करूँ। सर के साथ ही जा रहा हूँ शॉप की वीडियो बनाने। लेट्स गो। कैमरा शैमरा सब कुछ है, तैयार है। यार जी मैं अपना आईफोन गाड़ी में ही भूला है मेरे, सच में वो छूट गए। मैंने कहा पता नहीं कहाँ गया आईफोन। यार मैं आ चुका हूँ वापस ऑफिस में, और आते साथ ही तमाम चीज़ें चार्जिंग पे लगा ली हैं। ये वायरलेस माइक वगैरह ये तमाम चीज़ें चार्जिंग पे लगेंगी, अब चार्ज फुल होंगी देन जो है सर को वापस दे दी जाएंगे, क्योंकि अब ये मेरे पास नहीं रहते। जी हाँ, कीड़े पड़ेंगे आज। खलारा चेक करो, सब खलारा डाला। असल में काफ़ी दिनों बाद चीज़ें निकाली हैं ना,
तो उनको फुल चार्ज करके देन जो है मैं रखूँगा, क्योंकि फिर कहीं जाना पड़ता है तो चार्ज हुई चीज़ें होना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। जी हाँ, मैं देख लें कितना मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ। शरद जी, आज का कोटा कंप्लीट हो गया, हम निकलते हैं घर के लिए, तो लेट्स गो फॉर द राइड फॉर ब्यूटीफुल हाउस। चलो, तीन वीडियो आज अपलोड किए हैं। जी लेट्स गो ब्रो। वाह, आज तो ऐसे स्टार्ट हो गई है। दुआ करना मेरे लिए। तो यार ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ उम्मीद पे दुनिया कायम। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, ये बोरिंग था, तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। फी मन अल्लाह, बाय। इतनी तक वीडियो देख लिए तो थोड़ी मेहरबानी, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को।